जानता है एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि कुछ दाग ऐसे होते हैं जो हजार कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिटते। उसके बारे में भूल जा। कभी नहीं, किस्मत भी हमारा इम्तिहान लेती है, इसीलिए किस्मत के सामने हारना नहीं चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। ए लगेगा ना। हेलो शैलू, आ रही हूँ। हाँ तो बुक लेकर आ गई। कौन सी बड़ी डॉक्टर बन जाएगी? बहुत हेक्टिक हो जाता है। हाँ यार वो तो है। अब रुकेगा। ये क्या बदतमीजी है? बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? लड़के के लिए गाड़ी नहीं रोकी और लड़कियों को घर तक छोड़ता है। किसकी बात कर रहे हो तुम? ये तेरे से नाराज है। वैशाली मैडम को तूने घर पे छोड़ा ना, तेरी वो क्या लगती है? वैशाली मेरी पड़ोसी है, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई हमने साथ में की है। अगली बार वैशाली मैडम के साथ दिखाना तो ये तेरे को छोड़ेगा नहीं, बल्कि कब्रिस्तान तक छोड़ेगा। समझ गया, सिगरेट पीना और शराब पीने की तरह ही पड़ोसी लड़की को लिफ्ट देना भी दिल के लिए हानिकारक होता है। वैशाली की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। एक लंबी सांस लो। नहीं, उसके बाद इसे पकड़ कर रखना। हाँ हाँ। और प्रेशर देते रहना। अच्छा अच्छा ओके तो हाँ ठीक है। मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप वहाँ चले जाइएगा। ओके हाँ ठीक है, पहुँचूंगा। हाँ ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी इस बारे में। ठीक है। अरे पर पैसे कितने लगेंगे? चाय गरम हो तब पी लेनी चाहिए। वो कहाँ गया जो यहाँ बैठा था? यहाँ बाई तरफ। अरे मैडम बाया इधर है। जाने दे, अब वो क्या करेगा। तो मैं यूजुअली मुझे इतने सारे डाउट्स नहीं होते, लेकिन रुको। हे उठो उठो, क्या है, पीछा कर रहे हो मेरा? अरे ये क्या कर रही हो तुम? फिर से तुम्हारे साथ उन लोगों ने देख लिया ना तो मेरी जान ले लेंगे। तुम मुझसे थोड़ा दूरी रहा करो। कौन देख लेगा तुम्हें? होगा कोई तुम्हारा पुराना आशिक। तुम्हें देखता भी हो तो धमकी भरे मैसेज भेजता है। तुम्हारे साथ बात करते देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। शराफत से बैठ के दूर से एक तरफा प्यार कर रहा हूँ, पर नहीं आके बात करोगी मुझसे? अजीब गले पड़ू। मिस्टर सूर्या, मिस्टर सूर्या, मिस्टर सूर्या। यस। अरे यार तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए। अगर उसके लोगों ने देख लिया तो यही काट देगा। तुम समझते क्यों नहीं? ऐसा मत किया करो। मैं प्लीज इधर उधर की बातें मत करो और पॉइंट पर आओ। क्या बोल रहे हो तुम? कल उसने तुमसे बात करते देख लिया था। ओ फिर क्या बोला? अगर प्यार किया तो, मेरा मतलब पीछा किया तो
मुझे जान से मार देगा। फिलहाल हाथ तोड़ के छोड़ दिया। एक डॉक्टर को ये तक नहीं पता होगा कि किसी का एक्सरे किसी को इतना काम आ सकता है। इतना डरते हुए क्यों घूम रहे हो तुम? उसे बोल दो ना तुम प्यार नहीं करते। ये भी करके देख चुका हूँ। मैंने उसे झूठ कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, पर वो नहीं माना। क्यों? यही पूछा था मैंने कि भाई बात क्यों नहीं मान रहे हो, तो बोला कितना भी झूठ बोल ले तेरी आंखों में उसके लिए प्यार नजर आता है। झूठ है। जरा तुम भी आंखों में जाके देखो, क्या तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है? हाँ हाँ, कुछ तो दिखाई दे रहा है। अगर वो मुझसे इतना प्यार करता है तो वो मेरा पीछा नहीं करके तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? क्या बोलूं? डरता होगा कि कहीं तुम उसे ना ना कह दो, या फिर घबराता होगा कि कहीं मुझसे तुम्हें प्यार ना हो जाए। ऐसा हो सकता है। तू इतना सारा झूठ बोल कैसे लेता है? झूठ की चाशनी से ही प्यार के रिश्ते में मिठास आती है। प्लीज सिट। हे गोखले। अरे कब से राह देख रहा हूं। मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेटर है। सर, मैं उन करोड़ों कलकत्ता वासियों में से एक हूं। मेरी पहचान छुपाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। दरअसल मुद्दा यह है गोखले कि यह कोई धनंजय पिल्लई जैसे खतरनाक मुजरिम की तरह है, जो इतना खूंखार और वहशी है कि अब तक 40 से भी ज्यादा खून कर चुका है और अब एमएलए की कुर्सी पाने की कोशिश कर रहा है और राजनीतिक पार्टियां उसे ये मौका देने को तैयार है। सुन रहे हैं ना आप? हाँ हाँ। सर, जीने का क्या मतलब अगर मैं ये सवाल भी नहीं पूछ सकता? आशा करता हूँ कि आप इसे हमारे जनतंत्र का अपमान समझकर कोई ठोस कदम उठाएंगे। आपका अपना गुमनाम नागरिक। क्या मजा आ रहा है ना चाचा, बारिश में छाता लगा के नहा रहे हो। आपके तो मजे हैं चाचा। क्या हुआ, क्या बात है? पुलिस आ रही है। यहाँ आने की हिम्मत किसने की? न्यायाधीश प्रकाश अब उनके कंट्रोल में है। मजिस्ट्रेट प्रकाश को मुंह मांगी रकम देकर अपनी तरफ कर लो। ये मुश्किल है। मेरा मतलब है वो न्याय के सिवाय और कुछ जानता ही नहीं है। नमस्ते दादा। नमस्ते दादा। आज शुक्रवार है। क्या कहा? विसर्जन का 10वां दिन। आज का दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन किसी किसी के लिए अशुभ होता है। अब उनकी बात मानो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। 10 मिनट में शुभ मुहूर्त खत्म होने वाला है, फिर तुम्हारा बुरा टाइम शुरू। अगर तुझे लगता है कि तुझे बचाने के लिए कोई आने वाला है तो भूल जाए। आप सर कहाँ देखा है? मैजिस्ट्रेट प्रकाश है। हाँ सर, आपने धनंजय पिल्ले को उसके किए की सजा दिलवाई है ना? सर बहुत अच्छा काम किया, एकदम करप्ट आदमी था। सर प्लीज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे साथ कॉफी पीजिए ना, मेरा सौभाग्य होगा। मेरे कंधे को अगर कोई छूता है ना तो मैं उसका कंधा तोड़ देता हूँ। आइए सर चलिए। कौन है जिसने इसका हाथ गन्ने की तरह मरोड़ दिया? अब उनको लगता है ये इसका फैन है। चाय खत्म होते ही टपका दूंगा। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि अशुभ समय है और अभी कह रहे हो कि चाय खत्म होने के बाद मारोगे। तुम उसे सच में मारने वाले हो या नहीं? अगर हम इस लड़के से डर गए ना तो हमारी गैंग का सर झुक जाएगा। तेरे साथ मेरा कोई पुराना हिसाब बचाया गया। कौन सा हिसाब? हो ही नहीं सकता, हम अभी अभी तो मिले हैं। अरे बाप रे, देखा तुम सबने ये मुझे कैसे घूर रहे? तेरे तो अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, अब सब पिटोगे।
मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको बताया नहीं तूने? नहीं बताया, आप बता दो। अब तो सबको बताना पड़ेगा। बताओ, प्यार से समझाऊं या फिर मार से? और बताओ। और ये यहाँ, ओह, इसने मुझे मारते हुए देख लिया तो मेरी मार खाने वाली इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगी। भागना पड़ेगा, भाग। हटो। लूट, लूट। डल के भाग गया। यही मौका है। वो देखो, हमारा शिकार वहां खड़ा है। मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारी शुभ अशुभ की नौटंकी बंद करो अभी, उसके आने से पहले गेम कर डालो। कोई भूत देख लिया क्या? स्माइल प्लीज, कुछ अलग पोज दीजिए ना। क्या कुछ अच्छा पोज चाहिए? एक मिनट रुको। अरे कुछ ढंग का पोज दे। अरे वो तो किस बात है? अपना पोज करो, मार क्यों रहे हो? ये देखना ले। किस तरह से मार रहा है वो? ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। हा? तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? अरे तुम जाओ ना, अभी तो तुमने कहा कि ऐसे गुंडों को जेल में डाल देना चाहिए। अरे भैया, अरे सुनो तो, रिलैक्स। मुझे ये तो पता नहीं कि तुम अचानक कहां से आ गए, पर समय पर तुमने मेरी मदद की। योर फादर मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ यू।